नहीं दे रहे भाई ट्रेन को, एकदम चढ़े आ रहे हैं फटाफट है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज की जर्नी है देहरादून टू पुणे। पापा के रिटायरमेंट में जब पीलीभीत गया तो 2 दिन लग गए वहाँ पर जाने आने में, लेकिन कंटिन्यू सफ़र रहा। प्रोग्राम बहुत, फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा सम्मान रहा। मिनट रहे, स्वस्थ रहे, स्वस्थ होके घर आए। हेलो कैटी, गुड मॉर्निंग। जय बजरंगबली। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 8:45 और अभी हम हैं ISBT देहरादून। तो यहाँ से हम निकलने वाले हैं सीधा दिल्ली के लिए, फिर वहाँ से हम शाम के लिए हमारी ट्रेन होगी। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन से। जाएंगे हम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से हम अपनी पुणे की ट्रेन पकड़ेंगे। लेकिन साथ में हमारे एक स्कैम हुआ है, मनीष भाई के साथ एक स्कैम हुआ है यहाँ पर। ये मनीष भाई साहब हमारे साथ, रोतेला भाई, और ये विनीत भाई के साथ। जैसे हम मेट्रो के अंदर जा रहे थे यहाँ से होते हुए, तो यहाँ पर दो औरतों ने एक झंडे फ्लैग नहीं होते, और एक नेशनल फ्लैग एक दिन होता है कुछ टाइम का ना, कि झंडे लगाने का, चलो वो फ्लैग इस फ्लैग के लिए उन्होंने इस फ्लैग के लगाने के लिए उन्होंने पैसे मांगने लगे, ज़बरदस्ती लगाने लगे। हम मना कर रहे थे तब भी। अगर आप लोग आएँ तो बच के रहें इन स्कैम वालों से। मेरे भी ज़बरदस्ती चिपका रही थी, मैंने चिपकाने नहीं दिया। चौथा बंदा हमें मिल गया। तो फाइनली ट्रेन मिली गई, B1 लास्ट। इस सफर में हमारे साथ 4 मेंबर हैं, बस मैं सेकंड है जो कि हम साथ में आए। थर्ड ही यहाँ पर मिले मनीष भाई, फोर्थ ही यहीं मिले। सीट रिजर्व कर रखी है आपके लिए। तो वाले कौन था, वो फोन में फोन बात करा रहे थे, किसकी मदद कर रहे थे वहाँ? दिल्ली में भी रेस्क्यू बन रहे थे, रेस्क्यू रहे। विनीत भाई तो इंदौर रुकेंगे वापसी में आते वक्त पुणे से। इंदौर आप जाओ ट्रेन से और वहाँ से आओ फिर फ्लाइट में। सही बात। अरे यार, जाना तुम अकेले आते तो 5-6 मेरे साथ। 5-6 तो क्या हुआ, उन्हें भी लिया। और तेजस ट्रेन का वैसे नाम ही सुना था न्यूज़ में, आज बैठ भी गए। तेजस तो है इसका नाम, अगस्त क्रांति इसका नाम है। तेजस ही पढ़ा था, मैं तेजस तो लिखा था इतना बड़ा, लेकिन मुंबई क्रांति, मुंबई जा रहे हैं तो वैसी लैंग्वेज। आप भी आंटी मराठी? मराठी मानुष। मोदी नगर में जैसे सुना था कि जाम लगता ही है, वैसे वहीं लग ही रहा था। पता नहीं काम कब कंप्लीट होगा, तो लेकिन वापसी में रोडवेज बस से नहीं जाऊंगा। बाय फ्लाइट वॉल्वो में जाऊंगा। वॉल्वो में धोनी से दिल्ली, वॉल्वो दिल्ली से देहरादून जो डिस्टेंस है वो हल्द्वानी से दिल्ली का तो ज़्यादा ही होगा ना, हल्द्वानी का दिल्ली से ज़्यादा होगा ना। तब तो ये 4 घंटे में जाएगी शायद। एक विनीत दूसरे विनीत भाई से पूछ रहा है, हमारे सीट लास्ट मोमेंट हुई है ना क्लियर, तो उसे हमें लास्ट ही मिला है और ये दरवाजा हमें डिस्टर्ब करता है रात में। देखना पाला मारते क्या रात में सोएंगे ना, फिर भी खटपट खटपट होती रहेगी। संतोष पिथौरागढ़ से आके और दिल्ली में टीचर से बैठ के पूछ रहा है कि और बताओ क्या हो रहा है, और आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा, ये गलत बात है। संतोष कुछ पूछ रहा है, संतोष नो रेस्पॉन्स। सुबह एक हफ्ते में 4 बार। अरे मैं कह रहा हूँ रनिंग एक्सरसाइज करा दो, कोई दिक्कत नहीं, फिटनेस बन जाएगी, मेरा वेट भी कम हो जाएगा। ऐसी बात है, जा तो रहे हमारे कमांडो, कमांडो साथ में होने जा रहे हैं।
विनीत भाई के सास के परौंठे, क्या बोलेंगे परौंठे, पूरी भरवे दाल रोटी, भूख बहुत लग रही भाई। थैंक यू सास जी, थैंक यू विनीत भाई की सास जी, विनीत भाई की सास जी को थैंक यू, धन्यवाद तो कर दो यार। थैंक यू। तो दोस्तों देहरादून टू पुणे की जर्नी में हमारे साथ हैं एक सर मिले हैं हमें जो 3 साल पहले रिटायर हुए हैं रेलवे से ही। तो इनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि मेरे जो सवाल हैं कुछ डाउट हैं कि रेलवेज़ को लेके हमारी जो कंट्री में जो ट्रेन की जो स्पीड होती है देन अदर कंट्री के हिसाब से चाइना हो गई, जापान हो गई, उनकी जो ट्रेन की स्पीड होती है 350 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है, पर हमारी ट्रेन की स्पीड 180 या 200 की स्पीड पे ही सिमट के रह जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो मैं सर से पूछना चाहूँगा, पहले तो सर मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मदनलाल सरदार है। कहाँ से आप रहने वाले सर? मैं वलसाड से रहने वाला हूँ, वलसाड से रिटायरमेंट हुआ हूँ। वलसाड मुंबई, गुजरात स्टेट, गुजरात। अच्छा, गुजरात वलसाड। और रहने वाले कहाँ के सर? रहने वाला मैं नागपुर का हूँ। नागपुर का। सर के साथ सफर कर रहे हैं उनकी धर्म पत्नी नंदा सरदार है। कब दौड़ेगी हमारी ट्रेन? ऐसा इंडिया की ट्रेन 350, 450, 500 की स्पीड पे, इंडिया की पॉपुलेशन, बट सेफ्टी के साथ। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा होने की वजह से अपन अदर स्टेट अदर कंट्री का जो है वो कंपैरिजन नहीं कर पाते, कर सकते हैं जी। लेकिन फिर भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट मतलब होना चाहिए, इसलिए हमको अभी मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है। पहले दिल्ली से चली थी लगभग ये बाजू में जी, तो वो मतलब उस बेस के ऊपर बाकी भी ट्रेनें मतलब चलनी चाहिए, लेकिन उसी को रेगुलराइज नहीं कर पाए, सिर्फ वो शताब्दी को ही रेगुलराइज कर पाए एक ही ट्रेन को। मुझे ट्रेन के बारे में ऐसे नहीं पता, इसलिए मुझे भी नहीं मालूम। मैंने जीएस में इतना ही सुना है कि हमारी जो शताब्दी एक्सप्रेस है जो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो स्पीड की गाड़ी है वो शायद विनीत भाई 180 की स्पीड में चलती है ना? नहीं, उसकी क्या कहते हैं, शताब्दी की स्पीड कितनी है शताब्दी एक्सप्रेस की, जो जो जम्मू से कन्याकुमारी चलती है? इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं है, मैं नेट में देख के आपको बताऊंगा सर्च करके। तो जल्दी मुझे नेट में देख के बताइए, गूगल से सर्च करिए। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, बस यही हमारा काम। नहीं, फ्लो में गई, फ्लो में। ये तो शायरी कुछ गा दिया आपने आपको। हाँ देखिए, आंटी कह रही है ना, संग से गई ना, उस तरीके से गई जैसे आंटी के लिए गाते थे आप। ठीक है, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है यहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो रात का दोस्तों डिनर हो चुका है कंप्लीट और अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये यहाँ पर मैं मिडिल वाले बेड में लेटा हूँ। गुड नाइट भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। अब सुबह यहाँ से हमारी ट्रेन हमें पहुँचाएगी 10 बजे सीधा मुंबई। नींद भी बहुत आ रही है, सुबह हम थक गए, सिटी में पाए जाए। कमर सीधी करके बहुत ही आराम मिल रहा है, आँख खुलेगी सीधा मुंबई है अब। मुंबई सेंट्रल। दोस्तों सोते हैं, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 7:52। हम पहुंच चुके हैं मुंबई के एरिया में, बड़ी वाली कांदीवली। अभी निकला है वापी और यह है मुंबई का मौसम और ट्रेन। छत्रपति शिवाजी की नगरी में आ गए हैं, वीरों की भूमि में, मराठाओं की भूमि में। के नाम बताओगे कौन कौन थे यहाँ मराठी? छत्रपति शिवाजी, बाजीराव, तात्या टोपे। नहीं, वो यहाँ के थे, वो झांसी के थे। झांसी के तानाजी, क्या नाम है तानाजी? एक मूवी बनी थी ना तो उसमें याद आ रहा है तानाजी, बनना तो ऐसे नाम ही नहीं याद आ रहे। तात्या टोपे तो वहाँ के थे, झांसी के बता रहे थे। अरे नहीं, वो तो दूसरे थे। अच्छा हाँ यार, तात्या टोपे की बात अभी तो बात हो रही थी, तात्या टोपे तो झांसी के थे। सांभाजी वो तो आया ना, वो वहाँ के राजस्थान के यार। राणा सांगा वो राजस्थान, ये भी राजस्थान के। मुंबई सपनों की नगरी, मुंबई ख्वाबों की नगरी, मुंबई अपने सपनों को जिंदा करने की नगरी, मुंबई
सच को हकीकत में बदलने की नगरी, मुंबई अपनी चाहत को पूरा करने की नगरी, मुंबई माया नगरी, माया नगरी, मुंबई मेरी जान, मुंबई खोने की भी नगरी है, मुंबई पाने की भी नगरी है, मुंबई भटकने की भी नगरी है, मुंबई। बातें आ जा रही हैं ना मुंबई के नाम से, एकदम कुछ ना कुछ। मुंबई फिल्मी नगरी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन, अब यहां से हमारी तैयारी है पुणे जाने की। टाइम कितना हो रहा है दोस्तों? मात्र 10 बज रहे हैं, 5 मिनट में यहां का वड़ा पाव चखेंगे, कोशिश करेंगे कि वड़ा पाव चखेंगे यहां का, खाएंगे खाएंगे कोशिश नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे वड़ा पाव से। वड़ा पासवर्ड चेक कर लो भाई, चार्जर वगैरह हमने फोन डील वगैरह देखो, फोन चार्जर फोन मोबाइल पर्स पावर बैंक। मुंबई का स्टेशन है, दिल्ली से भी बड़ा लग रहा है तो है भाई। क्या पंखा है ना इतना बड़ा, देखो पंखा देखो इतना बड़ा है, हेलीकॉप्टर का पंखा लगा रखा, पूरा हेलीकॉप्टर का पंखा। लोकल ट्रेन पकड़ने आ तो गए पर एक चीज़ भूल गए, टिकट, चारों के टिकट तो लेना भूल ही गए हम। संतोष और मनीष भाई टिकट लेने गए हैं लोकल ट्रेन की, वरना फाइन भरना पड़ेगा, 10 रुपये के बजाय 250 रुपये भरने पड़ेंगे, जो कि हमें मंजूर नहीं है। मुंबई सेंट्रल महिलाओं के लिए, आगे बढ़ो, ये नहीं है, आगे चलो, आगे चलो, दौड़ के दौड़ के 24 सेकंड में चले जाती है, 24 सेकंड में, ये 24 सेकंड में। अरे रुकने तो भैया, नहीं दे रहे भाई ट्रेन को, एकदम चढ़ जा रहे फटाफट है। अरे बताइए जा, अरे तनिक बताइए, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं पान खा के। इस बार सीट नहीं मिलती है लगता है, क्योंकि खड़े खड़े होके जाना पड़ेगा। भीड़ देख रहे हो, ये है नजारा लोकल ट्रेन का। द नेक्स्ट स्टेशन कुर्ला स्टेशन, ये है आम जिंदगी, ये है आमची मुंबई, कुर्ला हर्बल लाइन। आंटी कह रही यहाँ से सीधे जाने का और लाइट लेने का, अरे बाबा। एक और मुंबई के स्टेशन तिलक नगर। मुंबई में आके एक सब्सक्राइबर बढ़ते हुए यहाँ पर मेरे, जो पूछ रहे हैं और मेरा चैनल को फॉलो भी कर रहे हैं, थैंक यू सर। एक सब्सक्राइबर बढ़े हैं मेरे यहाँ पर मुंबई में, तो अपना नाम तो पूछेंगे हम इनका। मेरा नाम है शिवाजी मानी, मैकेनिक हूं वैसे। शिवाजी माने, तो दोस्तों अभी हमारी अगली ट्रेन के लिए 2 घंटे का वेटिंग है, और यहाँ का हम खाएंगे दोनों के दोनों, संतोष और मैं, वड़ा पाव, जो कि यहाँ की कैंटीन में मिलेगा। और यहाँ पर देखे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है रेल आहार में। सबसे पहले आ गया चाय, कॉफ़ी, बहुत सही रेट है, चाय के 5 रुपये, कॉफ़ी के 10 रुपये। चाय नहीं चाह है, नहीं चाय हिंदी में है और चाह है मराठी में। करीब 15 रुपये, बड़ा 10 रुपये, अब पाव आ जाएंगे तो 3 रुपये का, समोसा 12 रुपये। काफ़ी सही है, रिजनेबल है, सस्ता है, अच्छा है। मुंबई आए हैं तो वड़ा और पाव इसका जरूर खाएंगे, लाइए वड़ा पाव और एक साथ में चाय भैया। दिया है हमें वड़ा पाव, मुंबई का वड़ा पाव। यहाँ आके ये नहीं खाया तो क्या खाया? कुछ नहीं खाया। नमस्ते यार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो उन पे? कैसे कैसे यार? बढ़िया बढ़िया। इंटरव्यू हो गया, हो गया हो गया इंटरव्यू हो गया। लोग माने तिलक रेलवे स्टेशन, यहाँ से अब ट्रेन पकड़ने की तैयारी है पुणे के लिए। भेलपुरी खिला दो, नौकरी वाले नहीं है ना हम, नौकरी छोकरे सब मिलेगा, दे कैसे मिल जाएगा, ऐसे मिलता ऐसे मिलता। फाइनली पहुंच चुके हैं पुणे। अच्छा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पुणे, अब
तो आज का ये ब्लॉग हम एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को फॉलो करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। सो गुड बाय एंड कीप वॉचिंग।